ओके तो गाइस स्वागत है आपको हार्डकोर सीरीज के एपिसोड 12 में। और देखो वैसे तो अपने पास रहने के लिए कासल है और चीजों को रखने के लिए स्टोरेज हाउस भी है, लेकिन मुझे फिर भी बनाना है एक अल्टीमेट बेस, तो आज हम उसी को बनाएंगे। और वीडियो के अंत में देखना आप, ये जो है बेस है ना, दिखने में बड़ा मस्त लगेगा। तो यार चलो स्टार्ट करते वीडियो को, बट उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहे। खैर तो मैं आया था यहाँ पे अपने कॉबलस्टोन फार्म में, और अभी देखो मुझे सारी चीजों को रख के वापस चीजें के लेना भी है एंड बिल्ड को बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो। ओके तो काम करते हैं, थोड़ा शुगरकेन को भी तोड़ लेते हैं, बहुत काम में आता है मेरे। और अब भैया सच्ची में मुझे ना एक शुगरकेन फार्म बनाना ही होगा यार, ऐसे मैं तोड़ तोड़ के मैं तंग आ चुका हूँ यार इससे। लेकिन आप टेंशन मत लो, दिमाग में एक अच्छा वाला शुगरकेन फार्म मेरे दिमाग में है जिसको मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, जो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा भी होगा और उससे मेरे को बहुत ही ज्यादा गन पाउडर की बोल रहा हूँ, शुगर केन भी मिलेगा मेरे को। खास उसके बाद मुझे चाहिए थे बहुत सारे एंड साइड, लेकिन मुझे ज्यादा मिल ही नहीं रहा था। ऑफ कोर्स जब मैंने उसको कलेक्ट करा ही नहीं था तो भैया मिलेगा कहाँ से। बट फिर भी मैं आसपास जाके देखने लगा चेस्टों को खोल खोल के ताकि मुझे एंड साइड मिल सके, क्योंकि मुझे जितना याद है कि मैंने जो है थोड़ा बहुत एंड साइड कहीं ना कहीं पे देखा था, क्योंकि मैंने रखा था थोड़े बहुत। और हाँ मैंने यहाँ पे देखो वायम्स के जो म्यूजियम है ना उसको जाने के लिए मतलब एक रास्ता भी बना दिया जो आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ से मैं ऐसे करके जाना होगा तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे बाम्स के म्यूजियम में। ओ आपने कुछ कहा मैंने सुना, जस्ट अभी आपने कुछ कहा मैंने सुना भाई, पिछले एपिसोड को क्या कहा भाई, पिछले एपिसोड को आपने देखा ही नहीं है। अच्छा बात नहीं। अरे यार क्या कर रहे हो यार आप लोग, जाओ देखो भाई इसको बनाने में मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा है भाई, इसको बनाने में भाई मेरे को बहुत टाइम लगा था यार, जाओ जाके देखो इसको। ओके तो खैर अभी देखो मुझे इसको बनाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह भी तो चाहिए ना, और मैं इसको यहाँ वहाँ नहीं बनाने वाला, यहाँ पे मैं मतलब आसपास ही बनाऊंगा और मेरे बेस के आसपास तो जगह भी बहुत ही ज्यादा फ्लैट है। तो चलो देखते हैं यहाँ वहाँ देखने के बाद मेरे को पता चल जाएगा कहाँ पे मैं बनाऊंगा इसको। तो उसके बाद मैंने कॉबलस्टोन फार्म के ही आसपास एक एरिया को जाके देखने लगा ताकि मुझे एक अच्छी जगह मिल सके। और देखो बिल्ड बड़ा है तो उसके लिए जगह भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। और फाइनली थोड़ा पापड़ बेलने के बाद मुझे मिलता है एक ऐसी जगह जो इसका मैं बहुत देर से तलाश कर रहा था, लेकिन भैया दिक्कत यह था कि वो जगह जो है ज्यादा फ्लैट ही नहीं था जितना मेरे को चाहिए था, तो मुझे भैया उसको फ्लैट बनाना होगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो मिट्टी का एक लेयर लगा दो बस हो गया फ्लैट, नीचे जो भी होगा उसका ख्याल कौन रखता है भाई। तो और क्या था, लगाया बीकन, लिया उससे स्टेबिलिटी और चालू किया अपना मजदूरों वाला का। ओ भाई साहब इसको बनाने भाई लिटरली यार बहुत थक गया हूँ मैं, इसको बनाते बनाते भाई बनाने के चक्कर में भाई मेरा बहुत दिन नष्ट हो गया भाई। और भैया अपना शवल भी चीख चीख के मुझे ये कह रहा है कि भैया मुझे ठीक तो कर पहले, तेरे चक्कर में मैं ना मर जाऊँ कहीं पे। और क्या था भाई उसकी बात तो मानना ही था, इसलिए आ गया भाई एक्सपी फार्म में उसको ठीक करने के लिए। ये ट्रेडर कभी कोई अच्छी चीज लाता क्यों नहीं यार, जब भी आता है मुंह उठा के तो भाई अपने साथ कूड़ा कोई लेके आता है यार। चलो भाई उसको छोड़ते हैं और बिल्ड पे ध्यान देते हैं भाई, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक काम है भाई, इसको करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो देखो वैसे तो मुझे बिल्ड वगैरह अच्छे से तो बनाना आता नहीं है, इसलिए मैंने यूट्यूब भैया की मदद ली और उनसे जाके पूछा तो उन्होंने मुझे ये बिल्ड रिकमेंड करा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। अब देखो ये बात सुनने के बाद यहाँ से चले मत जाना उसको देखने के लिए भाई, इसको पूरा देखो भैया, अभी अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है भाई साहब, आगे आगे देखो होता है क्या, कितना मजा आपको आएगा। ओके तो चलो देखते हैं भाई ये गोल हुआ कि नहीं, ये हुई ना बात भाई, लग रहा है ना गोलाकार। ओ भाई यहाँ से देखो भाई कितना औसम लग रहा है भाई यहाँ से ये बिल्ड दिखने में। तो ये होगा हमारा पहला लेयर जो मतलब इसके अंदर भी एक और लेयर बनेगा और एक लेयर बनेगा उसके अंदर भी और उसके अंदर बनेगा एक घर। चलो ये भी हो चुका है। अरे भाई ठीक से देख क्यों नहीं पा रहा हूँ यार, ठीक से दिख भी नहीं रहा कि कैसा लग रहा है भाई, ठीक ही लग रहा होगा भाई मेरे हिसाब से, बनाया है तो ठीक ही लग रहा होगा। और भाई लोग क्या हाल चाल है तुम्हारे, क्या कहा मारना चाहते हो, ठीक है भाई कोशिश करके देखो अगर आप
क्या कहा तुम लोग मेरे फैंस हो? ओ अच्छा अच्छा हाँ मुझे पता है भाई, फैन बोल बोल के मेरे पास आओगे और मुझे पेल के चले जाओगे। भाई मेरे को बहुत अच्छे से तुम्हारे स्कीम के बारे में पता है भाई। क्या तुम भैया ये लोग तो स्कैमर्स है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोग मेरे सच्चे वाले फैंस हो, एंड आई लव यू गाइस। ओ भैया देखो यार, बात करते करते चंद्रमा अभी निकल गई है और मेरे को इसके बारे में पता भी नहीं था। लेकिन सिर्फ यार चंद्रमा को देखने से भाई काम नहीं चलता, पेड़ भी काटना पड़ता है बिल्ड को बनाने के लिए। चलो आई थिंक इतना काफी होगा, और चाहिए होगा तो आ जाएंगे, ज्यादा दूर तो है नहीं। चलो ये तो बन गया हमारे एनिमल्स को रखने का एरिया, अभी तुम लोग भी आ जाओ यार अपनी अपनी जगह पे। अरे आना भाई, कितने नखरे दिखाते हो यार तुम लोग। चलो अभी चुपचाप यहाँ पे दोनों प्यार करो और करो का बच्चा पैदा करो। ए नन्हू भाई, स्वागत है तुम्हारे इस दुनिया में। हाँ सुन ले बड़ा, ओके तुझे कोई नाम रोशन वोशन नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गजब तू भी आ जाती। खैर तो जैसे कि आपने देखा ये बिल्ड दो सर्कल के रूप में है, तो पहला वाला जो सर्कल है उसके अंदर होगा पूरा का पूरा होगा भैया फार्म्स, मतलब वीट कैरेट पोटैटो इन सब की फार्मिंग मैं करने वाला हूँ। तो भैया जितना मैं फसल का जुगाड़ कर सकता था उसको मैंने यहाँ पे उगा दिया है, बड़ा होएगा तो भैया इसको फॉर्चून से तोड़ूंगा और फिर बाकी जगहों पे उगा दूंगा भाई, सिंपल है तो करना। ओके तो अब देखो एनिमल्स को रखने का एरिया बन चुका है, फसलों को भी मैंने उगा दिया है, अब बस एक कुआं बनाना है और एक स्मेल्टिंग एरिया को भी बनाना है। लेकिन सबसे पहले चलो एक छोटा सा स्टेबल से इस बिल्ड को करना स्टार्ट करते हैं। पत्थर खत्म हो गया भाई, वो तो अच्छा है कि भैया यहाँ पे बहुत सारे पत्थर को मैंने रख दिया था भाई पहले से ही, वरना भैया वापस जाना पड़ता जमीन के नीचे। पता नहीं इस कॉबलस्टोन फार्म को मैं कब चलाऊंगा यार, क्या करूँ भाई, क्रीपर फार्म भी तो अच्छे से साथ नहीं दे रहा ना भाई, जहाँ से मेरे को गनपाउडर मिल सके और मैं इसको आके चला सकूँ TNT बना के। यार देखते है भाई कोई फार्म अगर बनाऊंगा जिससे गनपाउडर मिलेगा, लाइक घास फार्म और समथिंग। ओके तो गाइस स्टेबल और कुआं बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे ना मैं बाद में एक रस्सी और एक बाल्टी जैसे कुआं में होता है ना, तो वैसा मैं थीम देने के मैं दे दूंगा ठीक है, जिससे ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। और नीचे देखोगे तो दिखेगा पानी और साइड में आपको देखने को मिलेगा एक टनल। यहाँ पे मैं बाद में ना एक सीक्रेट बेस भी बनाऊंगा, इसलिए अभी से प्लानिंग कर लिया है भाई। यार अभी लगता है भाई फसलों को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेना चाहिए मेरे को, ताकि एरिया के बाकी के एरिया पे भी मैं इसको उगा सकूं। What the fuck? यार भाई तुम लोग कहाँ से आ गए भाई, कहाँ क्यों यहाँ पे स्पॉन क्यों हो गए भाई? ए नहीं 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 भाई, नहीं 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 भाई, दीवार टप के आ रहा है भाई, दीवार टप के क्यों आ रहे हो यहाँ पे? देख भाई मेरे फसल अगर खराब हो ना तो तुम्हारे चमड़े उधेड़ के रख दूंगा यार, मैं पहले से बता रहा हूँ। अरे नो 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 भाई भाई अंदर जाने दे, अरे नो 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 भाई अंदर तो जाने दे मेरे को, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। भागो भागो भाई भूतनी के भाग ना, भागो भागो, अरे भूतनी के भाग ना, तेरे को भागने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा। अरे छोड़ दे भाई, अरे नहीं यार मैं तेरे चमड़े नहीं उधेड़ूंगा। अरे नो 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 भाई मैं मर जाऊंगा अंदर तो जाने दे यार। नहीं यार भाई क्या मैं क्या कर रहा हूँ यार अंदर, लिटरली यार अगली बार से मैं ये गलती नहीं करूंगा यार, दोबारा ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। एक्चुअली हुआ ये था कि भाई मैं सॉर्ड को अपने इन्वर्टरी में कहाँ पे रख दिया था, मेरे को ये आइडिया भी नहीं था, वो लोग भी ज्यादा नजदीक आ गए थे ना, तो इसलिए मैं जो है बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसलिए भाई मेरी किस्मत ने इस बार साथ दे दी थी भाई, वरना तो भाई मेरा तो किस्सा भी खत्म हो जाता। यार चलो भाई दूध पी के भाई ताकत बढ़ाते और फिर लगते हैं काम पे भाई, मैं बहुत ही ज्यादा फेड अप हो चुका हूँ यार। अरे यार अभी 3 मैग्मा ब्लॉक के लिए भाई क्या नेदर में मुझे जाना होगा? अभी मैं मौत के मुंह से आए से चुटकियों में बाहर निकला हूँ, और अभी फिर से कह रहे हो कि मुझे नेदर में जाना होगा, मौत के कुएं में धकेल रहे हो भाई। अच्छा बात नहीं। हेलो भैया रास्ते में मिल गया था, वरना इसके लिए भाई बहुत पापड़ बेलना पड़ता मेरे को। ओके तो क्या आपको पता है कि एक बकेट वाटर से भी आप इनफाइनाइट वाटर ले सकते हो? What? देख लो इसके लिए आप बस कॉल्ड्रन पे क्राउच होके पानी को डाल दो, फिर पानी को जब वापस लोगे तो भैया देखना कॉल्ड्रन पानी से भर जाएगा। ऐसे आप एक बकेट वाटर के जरिए भी आप अनलिमिटेड वाटर प्राप्त कर सकते हो। आपको इसके बारे में पता था भाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं पता था तो भैया इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है भाई, और चैनल को नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार।
ये देखो भाई, जैसा कि मैंने कहा ही था कि इसको देख लो भाई, ऐसा लग रहा है ना कि भाई यहाँ पे देखो कोई पानी, मतलब बाल्टी से पानी निकाल निकाल के यहाँ पे निकालता हो, ऐसा लग रहा है ना भाई। देखो ऊपर देखोगे तो यहाँ पे रस्सी भी देखने को मिलेगा, मतलब रस्सी का एक थीम देने की मैं कोशिश की है। और बाल्टी को मैंने डाई दे दिया, ब्लू डाई कर दिया, तो जिससे ये पानी मतलब और भी ज्यादा मतलब ब्लू कलर का हो गया है भाई। ये चीज ना मेरे को बड़ा मस्त लगा भाई इस बिल्ड को देखने के बाद। खैर तो देखो, वैसे बिल्ड तो सारे के सारे बन चुके थे और अभी बस मेरे को एक रहने के लिए घर बनाना था। और ये लो बनके रेडी है हमारा घर भी। तो फार्म बन चुका था, कुआ भी बन चुका था और घर भी बन गया था। मतलब कुल मिला के जो है बाहर के बिल्ड जो है वो पूरी तरीके से बनके रेडी था। अब बस घर के अंदर जो है डेकोरेट करना था मेरे, और उसके लिए मेरे को थोड़े से इंक चाहिए थे, तो उसको ढूंढने के लिए मैं गया समंदर में और वहां पे बहुत ढूंढता रहा, पर मेरे को एक भी स्क्विड मेरे को कभी कहीं पे नजर भी नहीं आता। किसी महान कवि ने सच्ची में कहा है कि जब जरूरत पड़ता है तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन एक जगह पे मुझे दिखता है एक डूबा हुआ टाइटैनिक, तो उसके नजदीक में जब जाता हूँ तो मेरे को कुछ वहाँ पे स्क्विड्स भी देखने को मिल जाता। तो स्क्विड्स को मारा और टाइटैनिक के अंदर जाके खजाने के मैप को हासिल करा और वापस आते आते मैं अपने टेंट को एक विलेज के पास ही लगा दिया। लेकिन वहाँ पे मेरे को पता कैसे चलता भाई सुबह होगी तो भाई यहाँ पे भसड़ भी मच जाएगा, भैंस की आँख पोषण फेंकेगी, इतनी बड़ी हो गई तू, हाँ इतनी बड़ी हो गई, अबे टट्टी शकल के तू कहे के लिए आ रहा है। भसड़ बहुत अच्छे से खत्म करने के बाद मैं जो है सुबह गांव वालों से बात की, उनसे जाके पूछा कि भैया मैं यहाँ पे आके रह सकता हूँ, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से परमिशन दिया मेरे स्वागत की और उन्होंने बोला मेरे से कि हाँ भाई यहाँ पे ये जगह भी तुम्हारा ही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जल्दी यहाँ पे आके अपने अपना जो किंगडम है वो भी खड़ा कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आ गया मैं अपने बेस पे, मतलब अल्टीमेट बेस के नजदीक, और मैं उस बिल्ड को कम्प्लीट करने लगा। और फिर ऐसे ही थोड़े दिन और मेहनत करने के बाद हमारा बिल्ड पूरा बनके रेडी हो चुका था। तो अब चलो थोड़ा सा इसका टूर भी आपको करा देता हूँ। तो इसके अंदर घुसने के साथ ही साथ आपको फसलों की खेती देखने को मिलेगा, जो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होगा। यहाँ से मैं जब तोड़ूंगा फॉर्चून से तो मेरे को माला माल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद थोड़ा जब आप और अंदर घुसोगे तो आपको देखने को मिलेगा एनिमल्स का बॉर्न और स्टेबल और साथ में एक अनोखा कुआं। खैर अब घर के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको अंदर का डिजाइन कुछ ऐसे प्रकार का देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, अभी चलो सेकंड फ्लोर पे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे जो ब्रिंग वगैरह भी मैंने लगा दिया, और कभी मान लो कि यहाँ पे मैं आऊँ तो सो भी सकूँ, तो इसलिए मैंने जो यहाँ पे एक बेड को भी रख दिया। और यहाँ पे बालकनी भी है भाई, जहाँ से मैं बाहर के नजारे को देख सकता हूँ। तो यार यही था भाई आज का वीडियो, एक अल्टीमेट सर्वाइवल बेस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बोलना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। और हां गाइस, हमारे चैनल पर 20K फाइनली कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए भाई थैंक यू सो मच। और तो जैसे कि मैंने कहा था कि 20K पे फेस रिवील भी करूंगा, तो इसके बाद जो है Q&A वीडियो आएगा और उस पे फेस रिवील भी होएगा, ठीक है। तो पूछो जो भी पूछना है अपने मन में, जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हो, उसका सभी का जो है Q&A वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगा सभी क्वेश्चंस को। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।